फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। जब हम उसको जीने की तैयारियां कर रहे होते हैं तो वो ठीक हमारे सामने से गुजर रही होती है, और जब हम उसको जीना शुरू करते हैं तब तक वो गुजर चुकी होती है। कहने का मतलब है, हम जिंदगी को लेकर बहुत सारी तैयारियां कर रहे होते हैं और जिंदगी पल प्रतिपल हमारे सामने घटित हो रही होती है। वर्तमान हालातों को देखते हुए जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था तो ये कविता सामने आई, आज फिर कभी ना लौट कर आएगा। आज फिर कभी ना लौट कर आएगा, जो बीत गया सो कल कहलाएगा, जो बीत गया सो कल कहलाएगा। जीवन की टेढ़ी मेढ़ी चाल में कुछ करने कुछ पाने के ख्याल में रहता खोया सा सोया सोया सा। उठ संभल आंखें खोल, ऐसा मंजर फिर कभी ना देख पाएगा। जाने कितने लम्हों को तिरस्कृत तुमने किया, सपनों की चाहत में हकीकत को दगा दिया। अब भी वक्त है गले लग जा जिंदगी से, अफसोस की कैद को फिर कभी ना तोड़ पाएगा। जाने क्या संग्रहित करते रहते हो, अंदर से बड़ा शून्य हो। सब कुछ तो पास तुम्हारे, फिर किसकी तलाश में रहते हो। जिनको देखना तुम चाहते हो वो ओझल हो गए, कोई तुम्हें पल प्रतिपल देख रहा है। संभल जाओ, नजरें मिलाओ, तुम्हारा आज सामने खड़ा है। पल भर की भी ना कर देरी, आज फिर कभी ना लौट कर आएगा, आज फिर कभी ना लौट कर आएगा। फ्रेंड्स, हम जिंदगी की दौड़ में कुछ इस कदर भ्रमित हो जाते हैं कि हम अपने आज को जीना भूल जाते हैं। हमारी कुछ चाहते होती हैं, कुछ सपने होते हैं, और उन सब की दौड़ में हम अपने वर्तमान को, अपने जीवन के उस सत्य को ठुकरा देते हैं और हमारे सामने से होले होले करके जिंदगी गुजर रही होती है। ये एहसास तब होता है जब पूरी तरह से जिंदगी हमारे सामने से निकल जाती है। तो ऐसा ना हो और हम जिंदगी को पूरी तरह से जी पाएं, उसके लिए हमें आज को पूरी तरह से गले लगाना होगा, क्योंकि आज फिर कभी ना लौट कर आएगा। थैंक यू सो मच।